जाना है क्योंकि हमें अपने राम का मंदिर बनाना है। वो जमाने गए जब कोर्ट में केस चलता रहेगा, ये होता रहेगा, वो होता रहेगा। हमें 23 तारीख को एक संकल्प मार्च निकालनी है। संकल्प मार्च हमें 23 तारीख को निकालनी है और संकल्प मार्च में ये प्रण लेना है कि 6 दिसंबर जिस दिन गीता जयंती होती है उस दिन जाकर हम मंदिर की पहली ईंट रख देंगे और अपने राम को उसका मंदिर दे देंगे। नहीं सहा जाता मुझसे ये कि हम अपने घर में आराम से बैठे हैं, मेरे राम तंबू में बैठे हैं। हम हिंदुओं ने ना मुसलमानों पर एक एहसान कर दिया, वो बाबरी ढांचा तोड़कर तुम लोगों की नाक बचा ली। अगर तुम्हें बाबर का इतिहास पता चलेगा ना तो मेरे ख्याल से शर्म से डूब मरोगे तुम लोग। अरे कैसे इबादत करोगे तुम उस जगह की जो गे के नाम पे बनाई गई हो? साफ साफ शब्दों में कि वो हमारे राम का मंदिर है, हम अपने राम के मंदिर के दर्शन करने 23 तारीख को वहां पे जा रहे हैं। मुझे योगी जी मोदी जी पे पूरा भरोसा है, मैं उन्हें तहे दिल से प्रणाम करती हूँ, तहे दिल से उनकी इज्जत करती हूँ। मुझे पता है कि वो हमारा मंदिर वहां पे बना देंगे, लेकिन हमें अपने हिंदुओं की ताकत एक बार उन कठमुल्लों को दिखानी पड़ेगी कि हम हिंदुओं में कितनी ताकत है। जितनी ताकत इस बार रामनवमी में इतनी भारी मात्राओं में रैलियां निकली है, इतनी सारी जगहों से रैलियां निकली है, ठीक वही ताकत हमें एक बार मुल्लों को दिखानी है अयोध्या में जाकर 23 अप्रैल को। तो 23 अप्रैल को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अयोध्या आओ। और हाँ, एक वादा मैं आपसे करती हूं, अगर कुछ हुआ, अगर गोली चली तो आपकी बहन आशुप्रिया आपके सामने खड़ी रहेगी, आपको कुछ नहीं होने देगी, इस बात की गारंटी मैं लेती हूँ। वैसे तो हमारा संकल्प एक शांति मार्च का है, लेकिन अगर कुछ भी हुआ तो आपकी बहन आशुप्रिया आपके सामने खड़ी रहेगी, आपको कुछ नहीं होने देगी, इतना मैं वादा देती हूँ। मैं एक लड़की होके आ रही हूँ, थोड़ी सी शर्म करो, अपने हिंदुओं की ताकत दिखाओ कि जाग हिंदू जाग, जाग हिंदू जाग, नहीं तो गाड़ा जाएगा। अभी नहीं जागा तो तेरा वजूद उखाड़ा जाएगा। बाबर सऊदी अरब से आया था और उसने अपने आशिक के नाम का ढांचा बाबरी ढांचा अयोध्या में बना डाला। हिंदू तब भी सोया था और अब भी सोया है जब हमारा राम जी टेंट में रह रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ आप लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में 23 तारीख को अयोध्या है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलो ताकि उन कठमुल्लों को पता चल सके कि बाबर कौन था। खुल के बोलती हूँ, बाबर एक गे था बाबर, और वो बाबरी ढांची जो बाबरी ढांचा है वो उसने अपने आशिक के लिए बनवाया था, मस्जिद नहीं है वो। इसी के साथ जय हिंद जय श्री राम, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।